तो काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अटैक ऑन टाइटंस का सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिल जाता है। देखो यार, डर मुझे इस चीज का था क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 सीजन थे उसके अंदर जो स्टूडियो था वो विट स्टूडियो था, अब इसकी जगह मापा स्टूडियो आ गया। डर इस चीज का था यार, जो हम उससे कनेक्ट हुए थे, जो इस एनिमे से बहुत ज्यादा एक मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार हो गया था और ये अब तक की मतलब मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता था कि यार वो जो मजा मेरा किरकिरा कर दे, वो जो एक यादें इसके साथ कनेक्ट हुई है वो खराब हो जाए और इसका ऑल ओवर जो वर्ल्ड में है इसका बहुत एक फैन बेस बन चुका है इस एनिमे का, बहुत अच्छी एक एनिमे। तो यहां पर मैं नहीं चाहता था कि यार ये वो वाली चीज मापा स्टूडियो आकर एक नया स्टूडियो आता है। वैसे मापा स्टूडियो बहुत अच्छा काम करता है, इसके एनिमेशन कमाल के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनिमे बनाते हैं, लेकिन एक डर बना रहता है ना कि यार हाँ यार इसने कैसा काम किया है, या कनेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उन चीजों के ऊपर खरी उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, क्योंकि कोई भी जो इस अटैक ऑन टाइटन को पसंद करता है वो नहीं चाहता कि वो कम एक्सेप्ट करे। यार ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इसको और अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाए, और अच्छे से नहीं कर सकते तो जो पहली चीजें चली आ रही थी उसी की तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके एनिमेशन की बात करूं जो मापा स्टूडियो के द्वारा इसमें दिया गया है, तो मैं यही कहूंगा कि यार एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा क्योंकि यार हाँ वो एक अलग स्टूडियो का आपको टच अलग देखने को मिलता है और मुझे ऐसा फील हुआ है इसके अंदर, बट वो ये नहीं है कि वो नेगेटिव वे में, वो पॉजिटिव वे में है। अभी देखो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखा, तो मुझे नहीं पता इसके आने वाले एपिसोड में इसके एनिमेशन में चेंजेस आएंगे या कैसे रहेंगे, तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि यार तूने तो कहा था बहुत अच्छी है। मैं फर्स्ट एपिसोड की गारंटी लेता हूं कि काफी ज्यादा अच्छी एनिमेशन है, इसके कलर इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा अच्छे हैं और जो एक एक्सप्रेशन जो होता है, एक डर का एक्सप्रेशन एनिमे कैरेक्टर के ऊपर बनाना होता है, वो इन्होंने बहुत बखूबी से उनके ऊपर बनाया है। कुल मिलाकर मापा स्टूडियो के एनिमेशन की तरफ से आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले, बहुत अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा और ऊपर से इसका साउंड यार वो तो यार इतना जबरदस्त है, सिचुएशन के ऊपर जैसे वो साउंड जो बैकग्राउंड में साउंड आता है वो तो इसका जैसे इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा देता है इसको देखने का। मापा स्टूडियो ने एनिमेशन तो कमाल का रखा ही रखा है, अब अगर इसके फाइटिंग सीन्स की बात करूं, फाइटिंग जो सीक्वल है वो कैसे हैं, वो जो हमने देखे थे इसके थर्ड 3 सीजन में हम देखते आ रहे थे, और जो एक डर का जो माहौल था, जो हॉरर जो थी, जो टाइटन्स आते थे लोगों को खाते थे, जैसे उनके फेस के जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलते थे वो कितना इसके ऊपर खरा उतर पाया, उसके बारे में अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि यार इन्होंने कुछ भी कम नहीं किया, बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जो एक सामने जो टाइटन आता है तो उन लोगों की क्या हालत हो जाती है वो इन्होंने बिल्कुल सेम वैसे रखने की पूरी कोशिश की, और हाँ पूरी कोशिश की मतलब रखा ही है इन्होंने। हमें फर्स्ट एपिसोड कैसा एक्सपीरियंस देता है, तो मैं यही कहूंगा कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा हमें एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसके 25 मिनट कब बीत जाते हैं इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और मैं अपना अगर पर्सनली रिएक्शन दूं कि भाई मुझे कैसी लगी थी जब मैं इसको फर्स्ट एपिसोड देख रहा था, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए, मैंने अपने लिए स्पेशली टाइम अलग से निकाला था, मैं कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, मेरे पास टाइम था मतलब बीच बीच में अगर देख सकता था, लेकिन नहीं यार मैं चाहता था कि एक बार आराम से तसल्ली से इसको प्यार से देखा जाए, क्योंकि यार ये डिजर्व करती है आराम से देखने का, ऐसे नहीं कि भागा दौड़ में बीच में मैंने ऐसी देख ली, नहीं इसको बहुत दिल के कनेक्ट है ना यार, तो इसको प्यार से देखा और काफी ज्यादा मैंने सेटिस्फाई महसूस किया कि हाँ यार इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। अब देखो यार मैं स्टोरी के बारे में तो बता नहीं सकता क्योंकि यार फर्स्ट एपिसोड में क्या आप लोगों को स्टोरी बताऊं, और मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि यार मैं किसी का इंटरेस्ट अभी खराब नहीं करना चाहता। जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे उनके बारे में अलग से एक अच्छे से वीडियो बनाकर वहां बात कर लेंगे, और शायद क्या पता इसका सेकंड एपिसोड देखने के बाद मेरा मन कर जाए इसके बारे में वीडियो बनाने के, शायद मैं बना भी सकता हूं, तो कोई पक्का नहीं है, लेकिन मैं स्टोरी के बारे में तो बात नहीं कर सकता, वहां सेकंड एपिसोड जब आएगा तब देखेंगे यार वहां क्या बात करनी है। अब देखो काफी सारे मैसेज आते हैं कि यार एनिमे कहां से देखें, कैसे देखें। देखो यार हमारे देश में कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है एनिमे देखने का। हाँ एनिमे आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम पे, डिज्नी पे, कुछ जो वहां पर खरीदे हुए एनिमे हैं वहां पर आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर एनिमे तो आपको मतलब दूसरे तरीके से देखने पड़ते होंगे, मतलब पायरेटेड तरीके से। यार देखो हमारे पास और कोई चारा तो नहीं होता, जो एनिमे लवर होते हैं यार उनको कहीं ना कहीं से अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करने पड़ता है, वो सभी करते भी हैं। अब अगर लेके आते हैं बाकायदा लीगली, इसमें आता है भारत के अंदर एनिमे कोई प्लेटफॉर्म, तो हम वो चीज बेशक हम लीगली करेंगे, लेकिन जब है ही नहीं तो क्या करें यार, कहीं ना कहीं से तो मतलब जुगाड़ करना पड़ता है ना। तो मेन पर्पस इस वीडियो का यही था कि यार मैं काफी ज्यादा खुश हुआ ये वाला फर्स्ट एपिसोड देखकर, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अभी मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि कितनी अच्छी इसका फर्स्ट एपिसोड रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसका जो फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, मैंने बहुत इंजॉय किया। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगा, अगर नहीं देखा तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो,
मतलब आज तक तो वेट ही करते आ रहे थे, अब तो वेट करने का मतलब टाइम जा चुका है, जाकर इसको देखो यार, मतलब डिजर्व करती है ये एनिमे पूरी। अगर आप लोगों ने अगर इसका कोई भी सीजन नहीं देखा तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखना शुरू करो, अगर देख चुके हो इसका तीनों के तीनों सीजन देख चुके हो तो यार इसको जाकर देखो, मतलब कमाल का यार, कमाल का। तो बस आज का इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। सको दो कि ने बीच